अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिससे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है ईद स्पेशल, और आज बकरा ईद के हवाले से जो आज हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है चांपे। और किस तरह बनेंगी, क्योंकि ईद की रेसिपीज़ आप लोग बना रहे हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि वो लोग जो उनसे ये चांपे बनाना चाहते हैं वो आज कुकिंग विद नाज़रीन के ज़रिए इस रेसिपी को सीख लें। तो चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से पूछते हैं कि ये जो उनसे रेसिपी मम्मा तैयार कर रही हैं ईद स्पेशल, ये कैसे तैयार होगी। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने चांपे ले ली हैं, बकरे के ये हैं चांपे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, मैंने एक बड़ा सा प्याज डाला है, इसमें ना 3-4 टमाटर डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मसाला भी तो हो ना, तो इसलिए ये मैं काट के आपके सामने डाल रही हूँ। फिर इसमें ना मिर्चियाँ वगैरह मैं डालती हूँ, वो आप खाती हूँ मसाले, मतलब तो सिंपल से हमने जो चीज़ें डालनी हैं, स्पाइसेस हमने ज़्यादा ऐड नहीं करने, सिंपल स्पाइसेस हम लोगों ने ऐड करने हैं। पहले हम लोगों ने मतलब जो है वो पोस्ट यहाँ पर धो लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और 3 से 4 टमाटर आप कह रहे हैं, 3 से 4 टमाटर, 3 से 4 टमाटर आप कह रहे हैं कि हमने उसमें शामिल करने हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या शामिल करेंगे? बस अब ना मैं करती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ ना मसाले। तेल भी डाल दिया इसमें और मैं मसाले डालती हूँ आपके सामने। इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं डालनी, एक चम्मच दादरी। अच्छा, बस दादरी भी डालनी है? 1.5 चम्मच डाल देती हूँ, ज़रा करारा सा हो जाएगा। नमक, ठीक है, 1 चम्मच अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हल्दी, ठीक है, और साथ ही ज़ीरा इसमें डाल देना। मैंने घी भी डाल के सब चीज़ें डाल दी इसमें। अब ला के ना अब चूल्हे पे रख देंगे, तो पकने के लिए लगते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखने से मज़ेदार से जो सी चांपों की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो ईद स्पेशल है। कैसे हमने चांप गल गए हैं, अच्छी तरह हमने गला लिए हैं, तो अब ये अच्छी तरह ना भून के ना मसाले वाले बने हैं ये, तो फिर ना दिखाते हैं आपको और भून के घी भी आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह मसाला घी भी आ गया है, अच्छी तरह मैंने भून लिया इसे, इसमें स्मेल वगैरह भी नहीं है, तो बकरे का गोश्त ऐसे चांपे मैंने बनाई है मसाले वाली चांपे। ये देखिए खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, हल्का सा मसाला मतलब हो ना तो वो रोटी लग जाती है ना। अब ये मैं उतार देती हूँ, आपको खाती हूँ फिर निकाल दूँ। बिल्कुल, ये रेसिपी हमारी फाइनल हो गई है, इसको रिशोर करते हैं व्यूअर्स आप लोगों को। व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज की रेसिपी है चांपों की जो हमने आपके साथ शेयर की है वो फाइनल हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक और उसको हमने यहाँ पर रिशोर कर दिया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी ईद की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अगर आप लोग कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं ईद की रेसिपी किसके हवाले से, या कोई और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी हमसे कर सकते हैं। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।